नमस्ते फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये पॉम पॉम बताने जा रही हूँ कैसे बनाते हैं। ये देखिए, ये दो मैंने बना रखे हैं अलग अलग कलर के। इसको बनाना मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाओगे। अब देखिए, बच्चे कुचे जो ऊन हमारे पास पड़े रहते हैं इससे आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस साइज़ का आपको बनाना है, छोटा बनाऊंगी मैं तो उस साइज़ का आप कोई भी साइज़ का गोल राउंड ऐसा कुछ ले लो और उससे आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर लो। कार्डबोर्ड ले लो मोटा सा, कोई भी आपके यहाँ बॉक्स होगा, कुछ पैकिंग आती है उसमें हमें मिल जाता है, उसमें से हम ले लेंगे। ये ले लिया, देखिए ये कार्डबोर्ड है, इसमें मैंने दो सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसको हम काट लेंगे। एक काट के मैं बता देती हूँ, इसे बना रखा है मैंने रेडी करके, आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये बन गया। इसी तरह इसको भी आप काट के निकाल लोगे, दो चाहिए आपको। और इसका सेंटर जो है, ये सेंटर पॉइंट में आपको गड्ढा करना है। तो मैंने ये पेन से ही ऐसा होल कर लिया है इसमें, इस तरह से। ये देखिए, ये होल हो गया इसका, ये इस तरह से आप दो बना लोगे। ये पीछे का इसको हटा देना आप ऐसे, ये ऐसे दो ले लोगे आप। ये जैसे मैंने दो ले लिया है, देखिए दो लेके उसको आप एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे रख लो, ऐसे ऐसे इस तरह से। ये मैंने तीन रखा है लेकिन आपको दो रखना है, ठीक है। ये मैंने दो रखे हैं ऐसे। अब क्या करोगे, इसका जो छोर है ऊन का, ऊन डाल लिया मैंने, मैटी की सुई ले रखी है, इसमें ऊन डाल दिया है। अब ऐसे दो लिया है ना आपने इस तरह से, ये इसका हाफ है, ठीक है। अब इसके बीच में से आपको टेल रखना है, जैसे आपने ये टेल यहाँ रख के और उसके अंदर से ऐसे, इसके अंदर से सुई लेके ऐसे करके आपको निकाल लेना है फर्स्ट स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपको ये पूरा ऊन इस तरह से रोल करते चले जाना है इसमें। ये इसलिए फंसाते हम क्योंकि लास्ट में हमें बांधना है इन सबको, इसलिए इसको बीच में छोड़ दिया है। अब इसमें आपको पिरोते जाना है, खूब अच्छे से इसको पूरा भर देना है जब तक ये होल पूरा ब्लॉक ना हो जाए। जितना मोटा आपको अच्छा बनाना है उतना आपको इसमें धागा भरते जाना है। ऐसे अच्छी तरह आप पूरा भर लोगे, खींच खींच के अच्छे से, टाइट से, ढीला नहीं छोड़ना तो जल्दी होल भर जाएगा ढीले से। ऐसे आपको अलग अलग कलर से इसको पूरा कवर कर लेना है, इस सर्कल को, इसको नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। तरह से भरते चले जाएंगे इसको। जब ये पहला एक धागा खत्म हो जाएगा आपका, तो आपने क्या करना है, धागे को ऊपर साइड छोड़ना है, अंदर साइड नहीं। जैसे ये आ गया है यहाँ पे, अब धागा भी ख़त्म होने वाला है तो अब दूसरा धागा डालेंगे हम इसमें, दूसरे कलर का लेंगे। तो अब क्या करोगे आप, ये।
अब ये छोटा हो गया, तो अब इसको आप ऐसे निकाल के यहाँ से काट दो, और अब दूसरा धागा डालेंगे। सेकंड हम अलग कलर डालते हैं। आप ये बना लिया फ्रेंड्स, मैंने देखिए पूरा भर दिया इसमें, बिल्कुल होल दिखेगा नहीं, इतना भर देना है आपको, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें यहाँ से कटिंग करनी है एकदम सेंटर पे, जहाँ दोनों वो रिंग हमारे चिपके थे उस जगह से। तो यहाँ से हम काटना, कहीं से भी काटना शुरू करते हैं। थोड़ा सा ब्लेड से आप इसको चीर लोगे, इस तरह से करके आप ये देखिए हमने ये बना लिया गड्ढा यहाँ पे। अब इसके सेंटर से आप कैंची घुसा के काट लोगे, इस तरह से, इस तरह से आपको काट लेना है। देखिए आप इस तरह से काटते जाओगे, छोटा छोटा कटिंग होती जाएगी उसकी। ये देखना वो कार्डबोर्ड कट ना जाए, बस ये ध्यान रखना आपको। और ये टेल कटना नहीं चाहिए, इसको संभाल के रखना आप। टेल हमारा है, और इस तरह से ये हो गया, पूरा कटिंग हो गई इसकी। ये हो गया, ये सेंटर का पार्ट है जहाँ से हमने ये टेल को रखा था, ये वाला भाग है, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक पहले गांठ लगा दो इसमें, इसमें एक गांठ लगा दो इस तरह से, गांठ को अंदर तक ले जाओ ऐसे। अब इसको धीरे से फैला के फिर से गांठ लगाओ, एक टाइट कर दो उसको। फिर आप ले आओ एक बार, अब इसको आप फैला भी सकते हो इस तरह से, फैला के आप खींच के जो है गांठ लगा दो। ज़्यादा तेज नहीं करना, फट जाएगा फिर। ये टाइट गांठ लगा दिया आपने, एक के ऊपर एक दो गांठ लगा दो। अब आप डबल नॉट लगा दिया आपने, अब आपको क्या करना है, इसको फाड़ दो यहाँ से। ये फट गया, इसको निकाल दिया यहाँ से, ये निकल गया आपका। अब दूसरे वाले को भी निकाल देंगे, एक बार आप चेक कर लेना बंधा हुआ है कि नहीं, ठीक से बंधा हुआ है आपका गांठ, बस इसको भी फाड़ दो आप। ये निकल गया आपका, ये दो पार्ट आपके निकल गए, इसका कोई यूज़ नहीं, इसको फेंक देना। और ये आपका पॉम पॉम तैयार हो गया, देखिए कितना सुंदर। देखिए कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसमें एक हाथ बड़ा रहेगा तो उसको आप काट दोगे बस। ये पूरा तैयार हो गया आपका, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब ये वाला जो टेल है, ये जहाँ भी बांधना है आपको,
वहाँ यूज हो जाएगा ये देखिए। और बीच वाला होल अगर आप थोड़ा बड़ा कर दोगे और उसमें और ऊन भर दोगे तो ये और ठूंसा हुआ बन जाएगा, बहुत अच्छे से एकदम बहुत ज़्यादा घना बनेगा वो। ये देखिए इतने सुंदर लग रहे हैं, रंग बिरंगे, किसी में भी आप लगा सकते हो। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको पसंद आया होगा, आप बनाइएगा इसको। थैंक यू।